इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण का परिचय पढ़ लिया था, जिसमें जैविक घटक अजैविक घटक इन दोनों को पढ़ लिया था। अब उसके ठीक आगे जैविक अजैविक घटकों के बीच का जो अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब आज जो मैं टॉपिक पढ़ने उसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। हम लेक्चर की तरह देते जाएंगे और आप नोट्स में साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है? और पूरी वीडियोज देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, अगर इकोलॉजी सिस्टम की बात करें, तो हमें जानते हैं जैविक अजैविक संगठनों के बीच का जो अंतर संबंध होता है उसका जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। सबसे पहले अगर हम हेडिंग बना के लिखेंगे तो इकोलॉजी आ जाएगा। इकोलॉजी माने पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या आएगी? पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पारिस्थितिकी विज्ञान, इसे पारिस्थितिकी विज्ञान भी कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत समस्त जैविक घटक अजैविक घटक कि उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी को इसे पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ओकियस एंड लॉगस से हुआ, मतलब ओकियस, ओकियस ठीक एंड लॉगस शब्दों से मिलकर हुआ है, ठीक है? इन शब्दों से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे के देखेंगे तो जर्मन के एक जीव वैज्ञानिक थे, जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल। कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल याद रखिए, इनका नाम याद रखिए, पूछा जाता है अर्नेस्ट हैकल, ठीक, कहीं कहीं हैकल भी रहता है, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? 1869 में। इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, ओकियोलॉजी, ठीक। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने ओकियो शब्द का स्थान है वास, अच्छा इसका स्थान लिखा जाए, इसका मतलब है ओकास का मतलब है वास स्थान, ठीक, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, माने किसी भी जैविक स्थान का, पारिस्थितिकी स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ओकियो शब्द कहलाता है। अगर अर्नेस्ट हैकल के शब्दों में सुनना चाहें या जानना चाहें तो अर्नेस्ट हैकल के अनुसार वातावरण और जो समुदाय, वातावरण और जो समुदाय के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? मतलब वातावरण और जो समुदाय के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ये कौन कहा था? अर्नेस्ट हैकल ने कहा था, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल पेड़ पौधे जंतु तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, उसके अलावा भी मानव समाज, उनके भौतिक पर्यावरण, अंतःक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाए। तो हमने यहाँ तक देखा कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का शब्द का सबसे प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। मतलब जैविक अजैविक मानव पर्यावरण इन सभी के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ना है वह हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। आराम सुनते चलिए, क्योंकि नोट्स आपने लिया होगा, फिर आपके पास होगा भी, तो लास्ट में हम लोग देख लेंगे यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए और हम लोग के लिए भी। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले, सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। कब किया था? 1935 में। नहीं दिख रहा है क्या? सबसे पहले 1935 में एजी टांसले ने सबसे पहले 1935 में क्या किया था? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। अगर एजी टांसले के अनुसार देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों की एक विशेष प्रकार होती है, जिसमें यह अपेक्षाकृत समस्थिति में होता है, यह खुला तंत्र होता है, यह विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे जीव मंडल के सभी घटक समूह जो पारस्परिक क्रिया सम्मिलित होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, माने जैविक अजैविक घटक जो होते हैं साथ ही साथ जैव मंडल जो होते हैं उन सभी का जो अंतर संबंध, जटिल अंतर संबंध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं अगर पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता देखा जाए,
इनकी क्या क्या विशेषता है। तो पास्की तंत्र खुला तंत्र है, कैसा है, खुला तंत्र, ओपन सिस्टम है, और जिसमें पदार्थ का ऊर्जा निरंतर निवेश होता रहता है, माने जिसमें पदार्थ की ऊर्जा है निरंतर निकलते रहते हैं, लगातार उनका निरंतर उत्सर्जन होता रहता है, निकलते रहते हैं। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। इसमें सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि सूर्य क्या है, सन, सूरज क्या है, हमारे पूरे पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी के माध्यम से पूरी पास्की तंत्र भी, अभी आगे हम लोग देखेंगे, चलती है। इसी के माध्यम से पूरी पास्की तंत्र भी चलती है, और यह ऊर्जा का हमारे पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत है, कौन, सूर्य। ठीक, फिर हम देखते हैं कि अगर पास्की तंत्र की उत्पादकता, उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है, ऊर्जा कितनी मिले उसी स्थान पर उसकी उत्पादकता होती है। पास्की तंत्र का एक मापक आकार होता, मतलब एक मापक आकार, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ से चाह आपने वहाँ से आपको मिलता रहे। अगर पास्की तंत्र की शाखाएं देखा जाए तो एक होता है स्वपास्थित की, अगर शाखा देखा जाए तो इसके अंतर्गत दो शाखाएं थी, पहला आती है स्वपास्थित की, पहला क्या था, इसके अंदर दो शाखाएं आती है, पहला इसके अंदर आता है स्व ठीक, पहला इसके अंतर्गत आता है जो स्वपास्थित की, परिचित होंगे, मतलब अगर इसके बारे में देखिए तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मतलब एकाकी प्रजाति होती है, जैसे इसमें विशेष प्रकार का पौधा या जंतु या एक विशेष जाति या वातावरण या उसके संबंधों को प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, माने स्वयं पारिस्थितिकी में किसी एक जीव, किसी एक पादप, किसी एक पौधे के का ही अध्ययन किया जाता है, उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वयं पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला जो होता है वो समुदाय पारिस्थितिकी होती है, कौन सी, समुदाय। दूसरा अगर इसके अंतर्गत देखें तो समुदाय, समुदाय पारिस्थितिकी, अब धीरे धीरे समझ में भी आ रहा होगा स्वयं पारिस्थितिकी क्या है और समुदाय पारिस्थितिकी क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करना चाहें तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले, मतलब एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप जंतुओं का उनके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मतलब एक कोई स्थान है वहां पर जितने भी जीवधारी पाए जाएंगे, जितने भी पादप पाए जाएंगे, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसको भी तीन भागों में बांट सकते हैं, एक आबादी पारिस्थितिकी, इसके अंदर सामुदायिक में आबादी पारिस्थितिकी, आबादी पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम देखेंगे किसी भी विशेष स्थान पर पादप जंतु जाति विशेष सदस्य जो बनाए गए हैं उनके आबादी के अनुसार उनका अध्ययन किया जाता है, फिर समुदाय पारिस्थितिकी, फिर समुदाय के आधार पर उन्हीं जो जंतुओं में पादपों में जो समुदाय बनती है जिसमें गैर जैविक समुदाय के वातावरण का पठन किया जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे पादप जंतु कवक आदि आते हैं, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के अंतर्गत तीसरा इसमें आता है पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इसके अंदर किसी पारिस्थितिकी तंत्र जैविक अजैविक घटकों का आपसी संबंध एवं इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब एक लाइन में हम कह सकते हैं कि स्वयं पारिस्थितिकी माने किसी एक का अध्ययन करना, समुदाय माने समुदाय के अंतर्गत जितने भी आते हैं सबका अध्ययन करना, ये भी तीन तरह से है। ठीक, तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कुछ पारिस्थितिकी विद्वानों ने पारिस्थितिकी विज्ञान के आवास के आधार पर इसे बांटा है, जैसे कुछ पारिस्थितिकी विद्वानों ने पारिस्थितिकी विज्ञान को आवास के आधार पर बांटा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन आवासों को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन आवासों में पहले तो है जलीय पारिस्थितिकी, कौन सी है, जलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत ऐसे पारिस्थितिकी जो जल के अंतर्गत पाई जाती है, इसमें भी स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, समुद्र जल की पारिस्थितिकी। फिर आते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी, इसमें घास स्थल पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, फसल स्थल पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी, ये सभी अलग अलग करके आते हैं। इन सभी का हम लोग को अलग अलग अभी अध्ययन भी करना होगा। ठीक, तो इसके आधार पर हम लोग आगे देखेंगे। अब पारिस्थितिकी कारक है, फिर इसके अंतर्गत आता है अगर संपूर्ण पारिस्थितिकी कारक क्या क्या है। संपूर्ण जीवधारी अपने चतुर्दिक पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं, कोई भी जीवधारी हो अपने आसपास का जो वातावरण होगा उसी में निवास करता है, बाहर निवास नहीं करता। उसके बाद हम देखेंगे
इस वातावरण के अंतर्गत जो सभी भौतिक जैविक मृदि कारक आते हैं जिनका प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। पास्की के कारक निम्न प्रकार के हैं, से जलवायु कारक। जलवायु कारक में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर प्रकाश, तापमान, मृदा, ये सारी चीजें आती हैं। अगर पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन की बात करें तो इसके बारे में हल्का सा पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था, आते हैं एक बार यहाँ भी देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जो संगठक क्या क्या हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक, लेकिन थोड़ा सा लिखवाते लिखते कम है तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा। ऐसे भी आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है तो नोट्स लिया तो आपके पास पहुँचा ही होगा, और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहाँ जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश से। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक जगह इलेनी विद दुर्गेश, और हमारे यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश, दुर्गेश सर भी है। और ऑनलाइन क्लास के लिए आपको नंबर आपको पता ही होगा 630, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है। आइए पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन को पढ़ते हैं। सबसे पहला काम पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन, थोड़ा सा पीछे वीडियो देखा होगा तब तो याद होगा। एक आएगा आपका जैविक संगठन, जैविक संगठन, दूसरा जैविक संगठन और अजैविक संगठन। पारिस्थितिकी संगठन के अंतर्गत कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत दो आएगा, जैविक संगठन और अजैविक संगठन, याद रखिएगा। जैविक संगठन ठीक, इसमें भी आता है तीन प्रकार के हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इसमें तीन आएंगे, कौन कौन आएंगे, एक तो उत्पादक होगा, उत्पादक हरे पेड़ पौधे, फिर उत्पादक के बाद क्या है उपभोक्ता, उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होंगे, उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद क्या आएंगे अपघटक, अपघटक या वियोजक, माने ऐसा जिसमें जीवन पाया जाए, जिसमें जीव, इसमें सभी पादप जगत आ जाएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, सभी पादप पेड़ पौधे, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता इसके अंतर्गत अगर देखें तो प्राथमिक, पहला क्या है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता इसके अंदर आएंगे। माने जैविक संगठन के अंदर तीन आएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इनका काम क्या, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये इन पर आश्रित होते हैं और इन सभी को डिकम्पोज करता है अपघटक। ये तीन हो गए आपके, ठीक क्या हो गए, ये तीनों आपके महत्वपूर्ण हो गए। अब अजैविक के अगर अंतर्गत देखा जाए उसमें कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक तीनों आते हैं। पहले देखते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक, इनके अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है कहां तक, अरे बाप यही तक दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है इसके अंतर्गत क्या आएगा, पहले कार्बनिक यहां लिख लेते हैं, कार्बनिक, फिर कार्बनिक, अकार्बनिक, फिर क्या है भौतिक, ठीक कार्बनिक, अकार्बनिक। और अगर कार्बनिक अंतर्गत अध्ययन करते हैं जल, लवण, गैस, जल, गैस, लवण, ये आज ये कार्बनिक के अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत कार्बनिक के अंतर्गत। अगर अकार्बनिक अंतर्गत देखें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है देखिएगा, यूरिया, ह्यूमस, यूरिया, ह्यूमस, ये जानते हैं ना अपरदन बनाता है, ये
फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक, फिर क्या है कार्बोहाइड्रेट आपका। फिर अगर भौतिक के अंतर्गत देखें तो ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। ऊर्जा, ऊर्जा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, प्रकाश, वायु, ताप। आइए इन सभी के बारे में अध्ययन अलग अलग करते हैं। हम लोगों ने डायग्राम भी बना लिया, अपने भी साथ में बना लेगा, स्क्रीन शॉट क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के संगठन की बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो कंपोनेंट ऑफ क्या आएगा आपका, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसमें आता है हमारा जैविक संगठन। जैविक संगठन को तीन भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक किसे कहते हैं, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक क्या है। तो जैविक संगठन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह घटक जीवित वस्तुओं का पारिस्थितिकी तंत्र को आकार प्रदान करता है। माने ये सभी क्या है, जीवित पारिस्थितिकी तंत्र को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सभी जीवधारी को जीवित रहने के लिए प्रजनन क्या करना होता है, प्रजनन करना होता है, क्या करना होता है, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन जरूरत पड़ती है। जीवित रहने के लिए प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत है जिसे जिसमें सूर्य है, सूर्य जानते हैं क्योंकि पृथ्वी पर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो क्या आपकी सूर्य है। तो सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से क्या होती है, विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद हरे पेड़ पौधे, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, हरे पेड़ पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। माने वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, कौन, पेड़ पौधे। वे जीवधारी जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वयं पोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। तो हमने ये देखा जैविक अपघटक के अंतर्गत क्या होता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक अपघटक के अंतर्गत जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, ठीक। तो जैविक अपघटक के अंतर्गत तीन आते हैं, उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी आगे हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। तो इसके अंतर्गत पादप आते हैं, दूसरे उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो वहां मिलता है आपका अपघटक वियोजक के रूप में, ठीक। हाँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारी जौनपुर में टीडी कॉलेज गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में दो ब्रांचेज चलती हैं, सिकरारा में, जौनपुर के सिकरारा में भी चलती हैं और वाराणसी में भी चलती है, वाराणसी के पांडेपुर में सुधाकर मेला पीजी कॉलेज के बगल में, इलाहाबाद बैंक के ठीक पास में बनारस ब्रांच में भी चलती है, वहाँ पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगी, जौनपुर में भी मिल जाएंगी और घर पे भी मिल जाएंगी अगर घर रह के आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर हम देखते हैं अपघटक काम क्या है, इन सभी को डिकम्पोज करना, अभी आगे हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में भी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आगे आते हैं अजैविक संगठन का बात करते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, इसमें भी होते हैं पहले कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक की बात करें, जल, गैसें, लवण जो है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक अंतर्गत आते हैं देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यूरिया, ह्यूमस, ये अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। भौतिक के अंतर्गत देखा जाए तो ऊर्जा में प्रकाश, वायु, ताप, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक पॉइंट को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जो जीवधारी दूसरों पर निर्भर नहीं करते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वयं पोषी। स्वयं पोषी माने जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 ऑनलाइन क्लास नोट्स, इसके लिए आप बात करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ाते समय कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर आगे देखते हैं वे जीवधारी जो भोजन हेतु दूसरे पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। पर माने ऐसे जो दूसरे पर आश्रित हो भोजन के लिए उन्हें परपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वयं पोषी या स्वपोषी कहा जाता है। अब हम जानते हैं जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में। उत्पादक की बात करें, उत्पादक क्या होता है, मुख्य रूप से पादप जगत या पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, माने ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ये किसी से पे आश्रित नहीं रहते, ठीक है। अब इनके बाद अगर हम लोग पढ़ें तो ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या कहते हैं, CO2 का अपचयन तथा जल का उपचयन करते हैं। CO2 का अपचयन तथा H2O का या जल का
उपचयन होता है। पर अब इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, उसकी परिभाषा भी बताई थी। तो हमने ये देखा कि स्तनी पादपीय तंत्र में उत्पादक प्राय जड़युक्त पौधे, साग, झाड़ी तथा वृक्ष हैं। जलीय पादपीय तंत्र में पादप प्लवक नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। पर्यावरण स्थिति में अनुकूल होने की दशा में पादप प्लवक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियां या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है। सोचने वाली योग्य बात है। अगर हम देखें तो हरे पेड़ पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। अब इसमें आते हैं उपभोक्ता की बात करता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? कंज्यूमर। इनके अंतर्गत मानव सहित सभी जो धारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक क्या करते हैं, प्राथमिक उत्पादक पर या पे क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं या उन्हीं पर ग्रहण करते हैं, खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों में हरे साग के पौधे, झाड़ियों अथवा वृक्षों की पत्तियों आदि के ग्रहण करने वाले जो धारी आते हैं जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। इनके अंतर्गत क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं उत्पादक में। उपभोक्ता में पहला प्राथमिक, इनके अंदर क्या आता है, इसे हम शाकाहारी कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं आपके शाकाहारी के बाद प्राथमिक उत्पादक परपोषी, मतलब जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो परपोषी उत्पादक उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। जैसे जो परपोषी होते हैं जो इन पर आश्रित होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये भी तो परपोषी है तो भी तो पादपों पर आश्रित होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला विभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। हड़ी मना के लिख लीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? विभोक्ता जो अपना भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस पर? पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे इसमें चरने वाले पशु अगर देखा जाए, बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरण, टिड्डा, चूहा, सभी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ आपकी खरगोश भी उसी के अंतर्गत आती है, टिड्डा भी, न शाकाहारी पे तो आश्रित है। ठीक, अब आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। वह उपभोक्ता जो अपने भोज्य हेतु शाक भच्छी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता या मांसाहारी कहते हैं। जैसे भेड़िया किसको खाता है? हिरण खाता है, बिल्ली चूहे खाती है आदि, ये सभी क्या आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी के अंतर्गत। द्वितीय क्या आते हैं? मांसाहारी। शेर क्या है? मांसाहारी है। मतलब वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता किस पर? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। यहाँ तक समझना, अभी हम डायग्राम बना के बढ़िया सबक क्लियर कर देंगे जहाँ तक कोई दिक्कत होगी या जहाँ समस्या आएगी। अगर हम तृतीय उपभोक्ता की बात करते हैं तो तृतीय उपभोक्ता में हम एक बातें जानते हैं, एक बात स्पष्ट करने योग्य है कि इसमें विभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों भोक्ता को अपना आहार बनाते हैं। जैसे मानव ही देख लीजिए, बाज, शेर, बाघ, ये सभी आते हैं। मतलब कुछ जीव जंतु होते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं, वे सभी भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य भी आता है, कुछ जंतु दूसरे जंतु को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्रेडेटर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? प्रेडेटर्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो हम आता है अपघटक की बात करते हैं। अपघटक या मृत जीवी, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा वे अपना भोजन भी इन्हीं मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। जो अपघटनकर्ता होते हैं ये मृत जीवी, कवक और जीवाणु आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? मृत जीवी, कवक और जीवाणु इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास किया। और अपघटन करता जो होते हैं ये क्या करते हैं? मृत पेड़ पौधों को अपघटन करके पृथ्वी पर को साफ करते हैं। इसलिए इन्हें प्रकृति का महत्तर कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का महत्तर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति का महत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का महत्तर कहते हैं। बस इसी के अंतर्गत है कि अजैविक तंत्र के अंतर्गत बहुसंख्य, अगर अजैविक तंत्र की बात करें यहाँ पे के अंतर्गत बहुसंख अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर देखा जाए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रिया भी होती है, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, मौसम, दवाएं, ये सभी आदि चीजें इसके अंतर्गत
आती हैं। अगर हम कार्बनिक संगठन की बात करें, इस कार्बनिक संगठन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जल आता है, फिर जल को आगे हम लोग जलमंडल में भी जलमंडल में पढ़ेंगे, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। माने इसके अंतर्गत मृत पौधों या जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ, मृत अगर हम कार्बनिक संगठन की बात करें, इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों और यौगिक को और प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया ह्यूमस आदि शामिल होते हैं, ये सभी है। और फिर कार्बनिक संगठन जैविक अजैविक संगठनों के संबंध स्थापित करते हैं, ये जो कार्बनिक संगठन होते हैं ये जैविक और अजैविक संगठनों के बीच एक अंतर संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। फिर हम जानते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम खड़ी अवस्था के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर कार्बनिक संगठन की बात करें तो इसके अंतर्गत फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि आते हैं, और बहुत से गैसें भी आती हैं इसके अंतर्गत भी। अगर गैसों की बात करें तो अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि आते हैं। भौतिक संगठन के अंतर्गत बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के जलवायु कारक, तापमान, वर्षा, हवा आदि को सम्मिलित किया जाता है। हरे पेड़ पौधों में जो प्रहरिम होता है, मतलब अर्थात प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, तो इससे ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में बदल देते हैं जबकि कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है। इस प्रकार हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब आते हैं इकोसॉफी। इकोसॉफी सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट नेश ने किया था इकोसॉफी का। गहन पारिस्थितिकी क्या होता है, गहन पारिस्थितिकी लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं, कुछ टॉपिक आपको लिखवाते चलते हैं ताकि आपको अगर परीक्षा में पूछ दिया तो आपको गलत ना होने पाए, ये मिटा दें। अगर हम इकोसॉफी देखा जाए, इकोसॉफी इको सॉफी इसका प्रथम अर्नेस्ट नेश ने किया था। कौन किया था लिख लेंगे ना, अर्नेस्ट नेश, किसने किया था, अर्नेस्ट नेश ने किया था, ठीक है। इको सॉफी शब्द का प्रयोग लिख लीजिएगा, अर्नेस्ट ने किया था। अच्छा, इकोसॉफी क्या है, ये भी प्रश्न आया है कि इकोसॉफी किसे कहते हैं। देखिए, जो भूमंडलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसकी जो संतुलन होती है, इसकी विचारधारा मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की जो संतुलन की विचारधारा है उसे हम इकोसॉफी कहते हैं। इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट नेश ने किया था, अर्नेस्ट नेश ने किया था। अब एक आती है डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी लिख लीजिएगा, गहन पारिस्थितिकी। इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अर्नेस्ट नेश ने किया था। यह है प्रकृति केंद्रित विचारधारा है, इस विचारधारा मानव को प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं मानती, मतलब यह ऐसी विचारधारा है डीप इकोलॉजी, इसमें मानव को प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। यह भी किसकी है, अर्नेस्ट नेश की है विचारधारा, यह भी अर्नेस्ट नेश की ही विचारधारा है। कब आई थी, 1972 में, 1972, ठीक। डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी की विचारधारा है, ठीक। फिर शैलो इकोलॉजी भी आती है, शैलो इकोलॉजी में वह मानव केंद्र विचारधारा है, यह मनुष्य पर्यावरण से श्रेष्ठ माना जाता है, ये बहुत सारी चीज है। फिर इकोलॉजिकल नीश आता है, वह इस विचारधारा के प्रथम ग्रीनेस लेंस थे, इसका कोई मतलब नहीं आपके सिलेबस में भी नहीं है इतना ज्यादा हम लोग को पढ़ने से, बस इससे ज्यादा क्या पढ़ा जाए, आप कुछ मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हमारा था पारिस्थितिकी तंत्र का, अगर इससे भी हम लास्ट में हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एक बार हम इसे एक बार दोहराने का प्रयास करते हैं कि कुछ नहीं करना है, पारिस्थितिकी तंत्र को आपको पता है,
पास्के तंत्र में हमने देखा कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है और प्राथमिक उपभोक्ता, पहले तो हम आते हैं उत्पादक था, फिर उपभोक्ता था, फिर बीजक काम था। इन सभी को एक डायग्राम के माध्यम से हमको पूरा बता देंगे और पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। साथ में हम नोट्स बनाते चलिएगा। और रही बात तो हम बाद में आपको किस पेपर दे देंगे, इससे जुड़े सारे प्रश्नों को भी करा दिया जाएगा, कुछ की पॉइंट भी हम आपको दे देंगे। आगे हम लोग अगर देखेंगे पास्के तंत्र में कैसे क्रिया होती है, उसका प्रकार कैसे, विनिमय क्रिया क्या होती है, फिर जैव ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश क्या होती है, सभी के बारे में, बाधा, जल व्यवस्थापन, पराकरण, हरिशोध, ये सारी चीज़ें हम लोगों बाद में हम लोग देख लेंगे। संतुलित पास्के तंत्र क्या होती है, अगर संतुलित पास्के तंत्र की बात किया जाए तो जीवधारियों को जीवित रखने के लिए स्वच्छ संतुलित पास्के तंत्र की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक पास्के तंत्र में अनेकों खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं जो आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है। मतलब अगर खाद्य जाल की बात करें तो प्रत्येक पास्के तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं और उन्हीं को मिलकर आपस में एक खाद्य जाल भी बनाती हैं। फिर हमें जानते हैं कि किसी पास्के तंत्र में, किसी भी पास्के कोलाई सिस्टम में खाद्य श्रृंखला जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना तंत्र अधिक संतुलित होगा। खाद्य जाल ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होती है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से इसको भी हम लोग देख लेंगे। बस यही है पास्के तंत्र की स्थिरता की बातें में। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सी एस स्टोनहॉल के अनुसार आहार जाल की विविधता वृद्धि में पास्के तंत्र की स्थिरता की वृद्धि होती है। ये सभी चीज़ें हैं एक एक क्रम से हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या लग रही हो तो आप हमें बताएं, वरना फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए छोटा सा इस वीडियो को अगर आपको बेहतर लगे तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इसके पहले भी आपने क्लासेज ज्वाइन किया पढ़ा आपने यह वीडियो है, इसके बाद हम लोग खाद्य श्रृंखला को पढ़ेंगे, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, इन सभी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर पास्के तंत्र का पिरामिड भी पढ़ेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, नंबर आपको ऊपर दिया गया है, नोट्स भी उपलब्ध हैं। जौनपुर हमारी ब्रांचेज हैं, टीडी कॉलेज गेट के पास कुंपम रेस्टोरेंट के बगल में। फिर आप वाराणसी के आसपास हैं तो वाराणसी में भी हम आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पांडेपुर में, पांडेपुर बगल में क्या है, सुधाकर मिले पी जी कॉलेज के बगल की गली जो है इलाहाबाद बैंक के ठीक पास में हमारी संस्था वहाँ भी चलती है और आपके घर तक भी नोट्स मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम ऐप में आप में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे कभी कभी वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आपको बना के देते हैं उसकी लिंक, लेकिन वो संजोग क्या होता है कि दुर्भाग्य आप तक पहुँच नहीं पाता। उसके लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करके दुर्गेश बिना स्पेस दिए वहाँ से आप इलानी भी दुर्गेश से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहिए और नोट्स भी तैयार करते रहिए, और नहीं तैयार कर पाते तो वीडियो देखते रहिए, कॉन्सेप्ट तैयार करिए, नोट्स हम आपको जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।